मित्रों, मैं राजेंद्र शिक्षा दर्पण यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं लाया हूं आपके लिए विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं जैसे एमपी पुलिस, एमपीएसआई और पीईबी से संबंधित विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में आने वाले सामान्य विज्ञान विषय के टॉप 50 क्वेश्चन लाया हूं, जो आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। यह आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉप लेवल के क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसका रिवीजन के तौर पर देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं। इसमें मैं टॉप 50 क्वेश्चन कराऊंगा और जैसे ही आगे बढ़ते हैं, कुल 50 इस प्रकार से आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो रिवीजन के तौर पर यह वीडियो देख सकते हैं आप लोग और अपने क्वेश्चनों का या अपने विज्ञान के सब्जेक्ट का प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि डार्विन ने किस जहाज से विश्व भ्रमण किया था? तो इसका उत्तर होगा बीगल। बीगल नामक जहाज से डार्विन ने विश्व भ्रमण किया था। दूसरा क्वेश्चन आता है, सबसे ऊंचा पौधा कौन सा है? तो पोपी नाम का पौधा होता है, जिसका वैज्ञानिक नाम पेपावर सोमेनिफेरस होता है। यह सबसे ऊंचा पौधा कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी, दूसरा भी हो गया, पहला भी हो चुका है। दो दो की स्लाइड में मैंने जो क्वेश्चन सेट किए हैं, आगे इस प्रकार से देखते जाएंगे। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? मधुमेह। हृदय के किस भाग में अशुद्ध रक्त होता है? दाएं भाग में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दूध से क्रीम अलग कर देने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका घनत्व बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, अस्पतालों में कृत्रिम श्वास के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अस्पतालों में कृत्रिम श्वास के लिए ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7-8, जीवन की सबसे छोटी व कार्यात्मक इकाई कोशिका कहलाती है और कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाती है। देखिए दोस्तों, मैं पहले बता दूं, इन क्वेश्चनों को मैं एक रिवीजन के तौर पर बता रहा हूं। आप अपना रिवीजन बहुत ही कम समय में 50 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, कार्ल लैंड स्टीनर को नोबल पुरस्कार किस वर्ष मिला? कार्ल लैंड स्टीनर बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने एक खोज, महत्वपूर्ण खोज की है शरीर के संबंध में। वो आप लोगों को कमेंट में बताना है कि किसकी खोज की है। तो इन्हें नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1930 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखें, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहा जाता है। एंटोमोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, सब्जी के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओलेरिकल्चर कहते हैं। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस है। छोटे क्वेश्चन हैं दोस्तों, आगे जल्दी बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैनिस फेमिलियर्स। जबकि आम का वैज्ञानिक नाम यदि पूछा जाए तो मैंजीफेरा इंडिकस। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिकस। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आम का बार बार पूछा जाता है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो उराइजा सटाइवा। धान का वैज्ञानिक नाम यदि पूछा जाए तो क्या है? उराइजा सटाइवा। गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस है। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मुस्का डोमेस्टिका। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? टिट्रिकम एस्टिवम। मक्खी का फिर से रिपीट कर देता हूँ, मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मुस्का डोमेस्टिका है। जबकि गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? टिट्रिकम एस्टिवम। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टिग्रीना। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? राना टिग्रीना। जबकि बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? फेलिस डोमेस्टिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पाइसम सैटाइबम। जबकि चने का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइसर एस्टिबम। दोस्तों, छोटे क्वेश्चन हैं, आप लोग वीडियो रोककर भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, प्रकाश संश्लेषण होता है कहाँ होता है? तो जी, क्लोरोप्लास्ट में होता है, जो मुख्यतः पादपों में होने वाली एक अनिवार्य क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन देखें, दूध संतुलित आहार नहीं है क्योंकि इसमें नहीं पाया जाता है। आयरन और विटामिन सी की अनुपस्थिति के कारण दूध को संतुलित आहार नहीं माना जा सकता है। दूध और विटामिन सी के अलावा दूध में सॉरी बेटा आयरन और विटामिन सी के अलावा दूध में सभी प्रकार के तत्व उपस्थित होते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ग्रीन हाउस इफेक्ट का अर्थ है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के कारण तापमान का बढ़ना। अगला क्वेश्चन देखें, एड्स होता है विषाणुओं से और एड्स के लिए जिम्मेदार कौन सा वायरस या विषाणु है, इसका नाम आप लोगों को कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं, तो हाइड्रा एकमात्र ऐसा जीव है जो सांस लेता है परंतु इसमें रक्त नहीं होता है। हालांकि इसके अलावा और भी विभिन्न प्रकार के जीव हैं जो कीट वर्ग में आते हैं, उनमें भी रक्त नहीं पाया जाता है। रेबीज का टीका व दूध का पाश्चुरेशन किसने किया था, तो लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने रेबीज के टीके की खोज भी की थी और दूध का पाश्चुराइजेशन भी किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मानव हृदय में कक्षों की कितनी संख्या होती है, तो मानव हृदय में 4 होती है, 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। दोस्तों इसके बारे में एक क्वेश्चन और बनता है, मानव हृदय में किस भाग में शुद्ध रक्त पाया जाता है, शायद आगे स्लाइड में क्वेश्चन होगा तो देखेंगे आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वग्राही कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, तो एबी रक्त समूह सर्वग्राही कहलाता है, जबकि सर्वदाता कौन सा रक्त समूह होता है, ओ सर्वदाता कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था, सॉरी मिस्टेक हो गया थोड़ा सा टाइप करने में, यहाँ पर इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था होना था, इसका आंसर है FG बेटिंग ने। अगला क्वेश्चन देखें, अरक्तता रोग किसकी कमी के कारण होती है, शरीर में रक्त की कमी या खून की कमी क्या कहलाती है, अरक्तता कहलाती है जो हीमोग्लोबिन के कारण होती है। दोस्तों कई बार इसका आंसर आपको आयरन भी मिल सकता है तब भी वो सही है, क्योंकि आयरन एक महत्वपूर्ण तत्व है जो हीमोग्लोबिन का ही एक भाग होता है। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं, 300 हड्डियां होती हैं सभी को पता है, जबकि एक वयस्क मानव में 206 हड्डियां होती हैं। अगला क्वेश्चन देखें, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है, शुतुरमुर्ग है, शुतुरमुर्ग की सबसे बड़ी कोशिका भी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 और 38, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो इसका पीएच मान 7.4 होता है और ये थोड़ा सा क्षारीयपन लिए रहता है। अगला क्वेश्चन देखें, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है, तो लाल रक्त कणिका मतलब RBC का निर्माण अस्थि मज्जा के अंदर होता है, अर्थात बोन मैरो में होता है। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है किस ग्रंथि द्वारा, पीयूष ग्रंथि जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोला जाता है और मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये शरीर की सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है, इसलिए इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, गंजापन का कारण कौन सा कवक है, गंजेपन होने का प्रमुख कारण किस कवक के कारण होता है, तो टीनिया कैपिटिस, इसका प्रमुख कवक क्या है, टीनिया कैपिटिस, दोस्तों ध्यान रखना इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लार किसके पाचन में मदद करती है, तो लार किसके पाचन में मदद करती है, स्टार्च के पाचन में मदद करती है। अगला क्वेश्चन देखें, पहला परखनली शिशु जो 27 जुलाई 1978 को जन्मा था, इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था लुइस ब्राउन, और कहाँ पर जन्मा था जी, इंग्लैंड में जन्मा था, थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है, जो सीमेंट उद्योग के कर्मचारी होते हैं वहाँ के लोगों में श्वेत फुसफुस नाम का रोग पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सपनों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओनीरोलॉजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का, सपनों का अध्ययन क्या कहलाता है या स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओनीरोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि किसके कारण होती है, तो जी आयोडीन की कमी के कारण असामान्य इसकी वृद्धि होने लगती है। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग्स, लंग्स का मतलब यहाँ पर फेफड़े से लिया गया है, मतलब फेफड़े खराब या काले पड़ जाते हैं, तो वो कहाँ के लोगों को हो जाता है, तो जो कोयले की खान में व्यक्ति काम करते हैं उन लोगों को ब्लैक लंग्स रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों,
पित्त या वायल जमा कहाँ होता है? तो पित्त रस कहाँ पर जमा होता है? पित्ताशय में जमा होता है। जबकि यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि पित्त रस कहाँ से निकलता है, तो वो यकृत या लीवर से निकलता है, जबकि जमा कहाँ पर होता है? पित्ताशय में जमा होता है। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरोक्रोम नामक एक वर्णक पाया जाता है, इसी की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, गुणसूत्र में क्या होता है? डीएनए और लिपिड पाए जाते हैं, और कई बार इसका आंसर जीन भी दिया जाता है, तब भी वो सही है, क्योंकि गुणसूत्र एवं लिपिड ही जीन के वाहक होते हैं, अर्थात जीन भी इसका आंसर हो सकता है। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड कार्पसल्स का मुख्य कार्य क्या होता है? तो जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। इस प्रकार से दोस्तों टॉप 50 क्वेश्चनों को कंप्लीट किया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाली परीक्षाओं के लिए। और दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।